स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर टा में। दोस्तों मंथली इनकम शुरू करना हमारे लिए काफी जरूरी तो होता है, लेकिन अगर हमें एक निवेश प्लान करना है और उसी से हमें एक मंथली इनकम शुरू करनी है तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे प्लान मिल जाते हैं जहां पर आप मंथली इनकम के साथ साथ अपने पैसे को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये देखना जरूर होगा कि जहां पर आप अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं और जिस पर आप एक इनकम लेना चाहते हैं तो यहां पर आपके पैसे पर रिस्क कितना है, दूसरा आप कितनी मंथली इनकम शुरू करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका टारगेट 8 से 10 साल पैसे निवेश करने का है तो आपको एक बड़ा फंड भी चाहिए तो उस फंड को आप कैसे बना सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपको एक मंथली इनकम भी शुरू करनी है तो यहाँ पर ये कितने टाइम तक मंथली इनकम आपको हो सकती है। क्योंकि निवेश प्लान करने के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि आप जहाँ पर पैसे निवेश कर रहे हैं वहाँ पर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, और वो भी खासकर मंथली इनकम स्कीम के लिए, क्योंकि दोस्तों मंथली इनकम में हमारे पैसे पर रिस्क जरूर है। लेकिन अगर आप बैंक एन्युटी डिपॉजिट स्कीम, पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम या फिर LIC की स्कीमों की बात करेंगे तो यहाँ पर रिस्क तो नहीं है, लेकिन आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि आप जो पैसा निवेश करते हैं एक फिक्स्ड ब्याज दर के हिसाब से जो भी अमाउंट होगा ये तो आपको मंथली बेसिस पर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मैच्योरिटी पर एक बड़ा फंड बनाना चाहेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है SWP प्लान, यानी कि सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। आपको इस ऑप्शन के अंदर सबसे बेहतरीन चीज ये मिलती है कि यहाँ पर आपको एक तो कंपाउंड रिटर्न मिलता है इस ऑप्शन में, और दूसरा यहाँ पर आप एक फिक्स्ड मंथली इनकम के साथ साथ अपने पैसे को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बैंक FD में पैसे को निवेश करते हैं। अब दोस्तों बैंक FD में आपको 7% ब्याज दर के हिसाब से अगर आप 8-10 साल तक भी पैसा निवेश करेंगे तब भी कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर आप टाटा की इस स्कीम में SWP ऑप्शन में पैसे को निवेश करते हैं उसी 5 लाख रुपए को, तो इस पे आप 6,500 रुपए की एक मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं। यानी कि ये जो मंथली इनकम होगी ये लगातार आपको हर महीने मिलती रहेगी, और जब तक आप इस पैसे को निवेश करके रखेंगे तब तक। लेकिन इसके साथ साथ एक और ये बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ पर इस 5 लाख रुपए की वैल्यू भी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इस पैसे की वैल्यू भी कई गुना तक बढ़कर वापस मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको हर महीने 6,000 रुपए की एक इनकम भी होती रहेगी। लेकिन इसके लिए आप जिस फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं उसका पोर्टफोलियो जरूर चेक करना चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि आप जहां पर पैसे निवेश कर रहे हैं SWP में तो पोर्टफोलियो कैसा है और आपको रिटर्न कितना मिल सकता है। अगर आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा तभी आप एक बेहतरीन रिटर्न के साथ मंथली इनकम भी कर पाएंगे और अपने पैसे को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम टाटा के इस फंड की पूरी डिटेल्स के साथ समझेंगे कि यहाँ पर आपको कैसे 5 लाख निवेश करके 10 करोड़ रुपए का फंड मिल सकता है, और साथ के साथ 6,000 रुपए की इनकम आपको कैसे हो सकती है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब दोस्तों जैसे हमने आपको बताया था सबसे इम्पोर्टेंट क्या है फंड की, यहाँ पर रिटर्न। अगर यहाँ पर फंड की बात करते हैं तो 30% का एनुअलाइज रिटर्न है टाटा स्मॉल कैप फंड ये है, और दोस्तों इस फंड ने लगातार पिछले 8-10 साल से हमें काफी जबरदस्त रिटर्न दिया है। अगर आपको 30% से बहुत कम रिटर्न मिलता है तब भी यहाँ पर आप एक बेहतरीन फंड बना सकते हैं, क्योंकि लगातार इस फंड ने रिटर्न काफी जबरदस्त दिया है। अगर हम पिछले 5 साल की भी बात करें तो रिटर्न 35.36%, लास्ट 3 ईयर में 28.73%, लास्ट 1 ईयर में 49.90%, लास्ट 6 मंथ में 27.37% का रिटर्न है। यानी कि दोस्तों टाटा के इस फंड के अंदर लगातार हमें जो रिटर्न है, चाहे से 5 साल की बात करें, 3 साल, 1 साल या फिर ऑल टाइम की, रिटर्न काफी जबरदस्त मिला है। अब दोस्तों एनुअलाइज रिटर्न है 30% का, लेकिन यहाँ पर हमें SWP ऑप्शन में पैसे को निवेश करना है, और यहाँ पर हम 5 लाख रुपए निवेश करते हैं। इस पर हम SWP ऑप्शन में 6,000 रुपए की मंथली इनकम स्टार्ट करते हैं और 24% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर 6 साल की, यहाँ पर आप 6 साल तक इस पैसे को निवेश करते हैं। तो दोस्तों 6 साल के अंदर यहाँ पर 5 लाख रुपए की जो वैल्यू होगी ये बढ़कर होगी 9,43,000 की, और इसमें जो विड्रॉल अमाउंट होगा 6,000 मंथली के हिसाब से ये होगा 4,32,000 का। लेकिन अगर आप 12 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको कंपाउंड रिटर्न का बेनिफिट मिलेगा। 5 लाख की वैल्यू बढ़कर 12 साल में 25,55,000 और 6,000 मंथली के हिसाब से कुल 8,64,000 रुपए का विड्रॉल अमाउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप पैसे को निवेश करते हैं 18 साल के लिए तो दोस्तों 5 लाख की वैल्यू बढ़कर 84,15,000 रुपए की होगी, और यहाँ पर 6,000 रुपए मंथली के हिसाब से कुल विड्रॉल अमाउंट 12,96,000। लेकिन दोस्तों अगर आप 24 साल तक इस पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर 5 लाख रुपए की जो वैल्यू होगी ये बढ़कर 2,97,00,000 रुपए और 6,000 मंथली के हिसाब से कुल 17,28,000 रुपए का विड्रॉल अमाउंट। लेकिन अगर आप 30 साल तक इस पैसे को निवेश करते हैं
दोस्तों 5 लाख रुपए की आप वैल्यू बढ़कर यहाँ पर 10,71,00,000 रुपए से ज्यादा आपको मिलेगी और 6,000 रुपए मंथली के हिसाब से कुल 21,60,000 रुपए का विड्रॉल अमाउंट भी आप इस टाइम पीरियड में ले चुके होंगे। यानी कि अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें तो 2 बेनिफिट आपको मिल चुके हैं, मंथली इनकम भी आपको लगातार मिली और यहाँ पर आपने 10 करोड़ रुपए का फंड भी बना दिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है फंड की होल्डिंग। यहाँ पर दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी की कुल मिलाकर 52 कंपनी है जिनमें फंड के पैसे को निवेश किया गया है और दोस्तों ये एक से एक दमदार कंपनी है जिसमें पैसे को निवेश किया गया है। इसमें अगर हम टॉप होल्डिंग कंपनीज की बात करते हैं तो इसमें BASF इंडिया केमिकल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है जहां पर करीब 4.5% फंड के UM का पैसा निवेश किया गया है। इसके अलावा किर्लोस्कर, क्विज कॉर्प, IDFC, गुजरात पीपा पोर्ट, रेडिको खैतान, KSP लिमिटेड, यानी कि दोस्तों ये ऐसी कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी की जिनके अंदर लगातार हमें शानदार ग्रोथ मिली है और अभी भी यहाँ पर हम पैसे को निवेश करके अपने बड़े फंड बनाने के टारगेट को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर केमिकल सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा फंड का पैसा निवेश किया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, यानी कि एक से एक बेहतरीन सेक्टर है जिनके अंदर फंड के पैसे को निवेश किया गया है, जिसकी वजह से इस फंड ने लगातार रिटर्न काफी जबरदस्त दिया है। दोस्तों अगर बात की जाए फंड के करंट NAV के प्राइस की तो यह है 45.90 रुपए। यानी कि आप जो भी पैसा निवेश करेंगे SWP ऑप्शन में तो आपको करंट NAV के प्राइस से यूनिट लॉट की जाएंगी और यहाँ पर दोस्तों इसी यूनिट प्राइस पर जो भी मंथली बेसिस पर प्रॉफिट होगा उसी में से आपको एक पे आउट मिलेगा और बाकी का जो पैसा होगा यह लमसम अमाउंट में ऐड हो जाएगा, जिससे आप लगातार प्रॉफिट के साथ अपने पैसे को ट्रैक कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस। रेटिंग फंड की शानदार 5 है और 7,867 करोड़ रुपए फंड का UM है और फंड के अंदर SWP में आप मिनिमम 500 रुपए विड्रॉल से निवेश कर सकते हैं। दोस्तों एक और पैरामीटर होता है बीटा, जो कि रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस फंड के बीटा की बात करें तो यह 0.70 यानी कि 1 से कम। दोस्तों फंड का बीटा अगर 1 से कम होता है तो कम रिस्क के साथ पोर्टफोलियो में काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। दोस्तों फंड का एक्सपेंस रेशियो खर्चा है 0.31% का, यानी कि आप जो भी पैसा निवेश करते हैं और जो भी एक्सपेंस रेशियो होता है ये पैसे काटकर आपको NAV के प्राइस से यूनिट लॉट की जाती है। एग्जिट लॉट है यहाँ पर 1%। अगर आप 12 महीने से पहले 12% पैसा निकालते हैं तब, और म्यूचुअल फंड में रिटर्न पर 20% का टैक्स है 1 साल से पहले, 1 साल के बाद 1,25,000 से ज्यादा प्रॉफिट पर 12.5% का LTCG टैक्स। फंड मैनेजमेंट की बात करें तो चंद्र प्रकाश पतियार 2018 से और जितेंद्र खत्री 2023 से फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों अगर टाटा AMC की बात की जाए तो इस AMC की रैंक टोटल एसेट के हिसाब से 14 नंबर पर है। 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड का UM है। फंड हाउस काफी पुराना भी है। तो दोस्तों टाटा के इस बेहतरीन स्मॉल कैप फंड के अंदर हम 5 लाख रुपए निवेश करके ही 6,500 रुपए की मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर इस 5 लाख से ही हम 10 करोड़ रुपए तक फंड भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।